तो ये है वोबल ब्रांड के बीन्स A48 दी एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन TWS। पर पता है ये कूल चीज नहीं है, कूल चीज ये है कि ये आते हैं अंडर प्राइसिंग ऑफ 1800। एंड सही बताऊं तो इससे भी ज्यादा कूल चीज ये है कि इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.2 के साथ 12mm के ड्राइवर्स मिलते हैं विद डीप बेस और IPX5 की वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग भी। लेकिन चीजों को और नेक्स्ट लेवल पे ले जाया गया है, लाइक वर्चुअल सराउंड साउंड जैसी चीजें मिल रही है एंड डुअल कनेक्टिविटी भी, यानी कि दो डिवाइसेस को आप एक साथ पेयर करके यूज कर पाओगे। वैसे तो इसको अनबॉक्स करके हम कंप्लीट यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है अभिनव, आप देख रहे हैं ट्रू टेकी और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो। तो देखो कुछ इस तरीके की क्लीन पैकेजिंग में आता है, यहाँ पे सिर्फ ANC हाईलाइट किया है एंड इसका रीजन ये है कि अंडर 2000 तो ANC देखने को भी नहीं मिलता, बट यहाँ पे अगर देखने को मिल रहा है तो वो चेक करना मांगता है कि कैसा है। तो इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो रैपर के अंदर एक बॉक्स जिसमें सबसे पहले अपना मेन डिवाइस साइड में रख देता हूँ, देन एक छोटा सा बॉक्स जिसके अंदर एक USB A2 Type-C चार्जिंग केबल, सारी गिर गई, तीन ही है, एक कहाँ गई, मिल गई। दो एक्स्ट्रा पेयर हैं ईयर टिप्स के, एक ऑलरेडी ईयरबड्स पे लगा हुआ है। देन यहाँ पे कुछ पेपर वर्क है जिसमें वारंटी पॉलिसी के साथ इसकी यूजेबिलिटी और फीचर्स दिए हैं, तो ये मैं बता दूंगा। तो एक बार ये सब हटाता हूं और सीधा इस पे आता हूं। तो देखो जो इसका केस है वो काफी छोटा सा है, ओवरऑल वेट चेक करना पड़ेगा 35 ग्राम, और जो ईयरबड्स का वेट है वो है टोटल 7 ग्राम, यानी कि 3.5 ग्राम ईच। एंड इसके इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो है 350 mAh और ईच ईयरबड की कैपेसिटी है 35 mAh। एंड ब्रांड क्लेम करता है कि अप टू 30 hours का प्लेबैक मिल जाता है, लेकिन कंडीशन रहती है कि 50% वॉल्यूम पे आपको 30 hours का प्लेबैक मिल जाएगा। बाकी अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो एकदम प्रीमियम है, अंदर आपको ग्लोसी एंड मैट का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, ईयरबड्स कंप्लीटली मैट फिनिश के साथ आ रही है और जो मैग्नेट्स हैं वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। केस के ऊपर 4 बैटरी इंडिकेटर्स हैं और अंदर की साइड आपको एक रिसेट की मिल रहा है, काफी कूल लुक्स के साथ आता है और रियर पे मिलती है USB Type-C चार्जिंग पोर्ट। अगर चार्जिंग की बात करें तो फास्ट चार्जिंग ये सपोर्ट करता है, 15 मिनट के चार्ज में आपको 100 मिनट का प्लेबैक, और अगर 0 to 100 इसको चार्ज करना है तो अराउंड 80 मिनट में ये कंप्लीट चार्ज हो जाता है। इसको तो हटा दूं। अगर इन ईयरबड्स के कंफर्ट लेवल की बात करें तो वो बहुत ज्यादा हाई है क्योंकि लाइट वेट है और इजिली कानों में फिट हो जाते हैं, डिजाइन काफी सही है जिसकी वजह से आपको एकदम मतलब मस्त फील आती है। बट जो इसका सबसे मस्त पार्ट है वो है इसका ANC, जस्ट आपने टैप एंड होल्ड करना है राइट या लेफ्ट ईयरबड पे और ANC मोड में जाने के बाद आपको बाहर की सारी जो नॉइज है वो कैंसिल करके ये डिलीवर करता है, यानी कि अब बाहर जो फैन AC जो भी चल रहा है मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन हाँ जो मैं बोल रहा हूँ वो मुझे इजिली सुनाई दे रहा है, चुटकिया भी, लेकिन जो डिवाइसेस की या फिर AC फैन ट्रैफिक की नॉइज है वो कम्प्लीटली कैंसिल हो चुकी है। एंड आई एम इम्प्रेस्ड कि 1800 रुपए की रेंज में भी कोई ऐसे ईयरबड्स दे सकता है। अब देखो बेस्ट साउंड एक्सपीरियंस के लिए 12mm के बड़े ड्राइवर्स दिए हैं विद डीप बेस, और ऑडियो को और ज्यादा रिफाइन करने के लिए DAT टेक्नोलॉजी यूज की है, विच इज डायनामिक ऑडियो ट्यूनिंग टेक्नोलॉजी। अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो DAT टेक्नोलॉजी के साथ आपको जो ऑडियो का एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा एनहेंस्ड होकर मिलने वाला है, जिसमें मिड हाई और लो का बेस्ट कॉम्बिनेशन बना के डिस्टोर्शन फ्री ऑडियो ये आपको डिलीवर करेगा, और ऑडियो को एक डिफरेंट टेस्ट देने के लिए इसमें आपको 360 डिग्री सराउंड साउंड भी मिलता है। तो क्यों ना आप अपने ईयरफोन्स लगा के सैंपल सुनो। तुरे ही नहीं पहले दिल तू सहानिया दिल जानिया तू नेड़े नेड़े रे। तो देखो साउंड सैंपल सुन के आपको एक रफ आइडिया तो लग जाता है, लेकिन अगर एक एग्जैक्ट चीज बताऊं तो दिस इज कम्प्लीटली अनबिलीवेबल कि इस प्राइस रेंज में आपको इस टाइप का ऑडियो एक्सपीरियंस मिल सकता है। दे आर जस्ट ग्रेट, क्योंकि यहाँ पे जो बेस है वो आपको डीप मिल रहा है, उसके साथ जो वोकल्स है वो कंप्रेस नहीं हो रहे, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि ईयरबड्स में जैसे ही बेस आती है वोकल्स और जो हाइज है वो कंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे DAT टेक्नोलॉजी उसको बैलेंस करके आपको बेस्ट एक्सपीरियंस दिलाती है। तो मतलब अगर आप म्यूजिक के लिए ले रहे हो तो म्यूजिक में तो ये एक नंबर है, उसके बाद अगर फोन कॉल्स की बात करें तो इसमें आपको क्वाड माइक मिलते हैं, यानी कि हर ईयरबड पे 2 माइक, तो थोड़ा सा ट्रैफिक एरिया में जाके एक फोन कॉल करते हैं। A48 का क्वाड माइक टेस्ट करने, और टेस्ट करने के लिए हमेशा से अपनी जगह जो होता है हाईवे पीछे भारी भरकम ट्रैफिक और काफी शोर तगड़ी हवा चलती है, तो मालूम से पता चल रहा होगा, तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो क्वाड माइक है वो वायरलेस नॉइस कैंसिलेशन सैंपल सुन के आपको आइडिया लग ही गया होगा कि अगर आप इन पे फोन कॉल्स अटेंड करने वाले हो और अगर आप ट्रैफिक में हो तो जो नॉइज है वो काफी हद तक कैंसिल होने वाला। लेकिन इतना ही नहीं, इसमें आपको गेम मोड भी मिलता है, यानी कि लो लेटेंसी के साथ ये आते हैं, तो क्यों ना BGMI हो जाए।
तो देखो मैं ज्यादातर वायर्ड ईयरफोन्स पे गेम खेलता हूँ एंड मैंने इन पे जो एक्सपीरियंस किया है मुझे बिल्कुल भी डिफरेंस महसूस नहीं हुआ कि ये वायरलेस TWS है और गेमिंग के टाइम पे कोई लेटेंसी भी आ रही है, क्योंकि जैसे ही मैं फायर कर रहा था सेम टाइम पे मुझे ऑडियो सुनाई दे रहा था, तो कोई भी लेटेंसी इनके अंदर गेमिंग के टाइम पे नहीं है। अब देखो दोनों ईयरबड्स पे आपको इंट्यूटिव टच कंट्रोल्स मिलते हैं, यानी कि सिंपली टैप करने से ही जो एक्शन है वो हो जाएंगे। जैसे कि आपने म्यूजिक प्ले किया हुआ है और आप लेफ्ट या राइट पे सिंपली टैप करते हो तो पॉज हो जाएगा, राइट पे डबल टैप फॉर नेक्स्ट, लेफ्ट पे डबल टैप फॉर प्रीवियस सॉन्ग, ANC ट्रांसपेरेंसी या फिर म्यूजिक मोड में जाने के लिए आपने किसी भी ईयरबड पे टैप एंड होल्ड करके रखना है और 3 सेकंड के होल्ड में आप ANC से ट्रांसपेरेंसी और म्यूजिक मोड में शिफ्ट हो जाओ। उसके बाद अगर आप राइट वाले पे 3 बार टैप करोगे तो आप गेम से म्यूजिक मोड और म्यूजिक से गेम मोड में चले जाओगे, और लेफ्ट पे 3 बार टैप करोगे तो आप गूगल सिरी या कोई भी वॉइस असिस्टेंट यूज कर रहे हो उसमें चले जाओगे। बाकी फोन कॉल्स को अटेंड करने के लिए डबल टैप और डिस्कनेक्ट करने के लिए भी डबल टैप, लेकिन अगर रिजेक्ट करना है तो टैप एंड होल्ड। एंड यार इसकी जो इंट्यूटिव टच कंट्रोल है ना वो काफी एक्यूरेटली काम करते हैं, बहुत ही कम ऐसा होता है कि काम ना करे। बाकी मेरे साथ तो अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ, जैसे ही मैं टच करता हूँ मुझे तुरंत से एक्शन देखने को मिलता है। यार बहुत ज्यादा बातें बताने से कुछ नहीं होगा, लेकिन सही में 1800 की प्राइसिंग में जो चीजें इसमें मिल रही है वो आपको 3500 4000 की रेंज में भी देखने को नहीं मिलती। एंड मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि 12mm के बड़े ड्राइवर के साथ जो म्यूजिक एक्सपीरियंस था, उसके बाद जो मैंने इसमें ANC ट्राई किया और ANC के बाद जो ट्रांसपेरेंसी मोड यानी कि इसके जो क्वाड माइक्स है उससे सराउंड की नॉइज अंदर आ रही थी कानों में, वो एक्सपीरियंस भी एक नंबर था। और बाकी रही बात बैटरी बैकअप एंड चार्जिंग की, वो भी एकदम मस्त है। तो इन ईयरबड्स का जो परचेज लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टेक।